कांग्रेस नेता सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर लिया है। चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बाद सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में रायबरेली की जनता का धन्यवाद देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि रायबरेली की जनता आगे भी गांधी परिवार का सहयोग करती रहेगी। सोनिया की इस चिट्ठी के क्या है मायने, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रायबरेली से गांधी परिवार का बेहद लंबा और गहरा संबंध रहा है। फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक ने रायबरेली के जरिए सदन तक का रास्ता तय किया। अब बढ़ती हुई उम्र और स्वास्थ्य कारणों से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ऐसे में चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से कर सकती हैं। सोनिया गांधी की चिट्ठी पर बीजेपी ने हमला किया है। मैं फिरोज गांधी का कॉलेज में फिरोज गांधी की मूर्ति लगवाना चाहता था। सोनिया गांधी ने मुझसे नाराज होकर के कहा कि फिरोज गांधी की कोई मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। जो अपने ससुर की मूर्ति लगने नहीं देना चाहती और आज पत्र में फिरोज गांधी को अपना ससुर बताती हैं, तो अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। फिरोज गांधी की मूर्ति पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने कभी एक फूल तक नहीं चढ़ाया, उन्होंने कभी फिरोज गांधी का नाम नहीं लिया आज तक रायबरेली की जनता के बीच में। रायबरेली सीट को कांग्रेस हमेशा से अपना गढ़ मानती रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी विपक्ष रायबरेली में गांधी परिवार को हरा नहीं सका। यहां तक कि 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव हार गए और कांग्रेस लोकसभा में यूपी से एक सीटों पर सिमट गए, तब भी रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को चुनकर संसद भेज दिया। हालांकि अखिलेश यादव ऐसा नहीं मानते। अखिलेश यादव का कहना यह है कि अमेठी रायबरेली कांग्रेस का गढ़ नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के समर्थन की वजह से कांग्रेस के जीत का कारण रही है। रायबरेली से सोनिया गांधी ने लड़ने से मना कर दिया है, तो ये पार्टी की उनकी अपना फैसला है, हमारी पार्टी का अपना फैसला होगा। कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, लेकिन अब नहीं, मजबूत गढ़ तो नहीं है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस का ही सहयोग किया है। राजनीतिक बयानबाजी जो भी हो, लेकिन रायबरेली की जनता ये मानती है कि सोनिया गांधी के चुनाव ना लड़ने का असर जरूर पड़ सकता है। रायबरेली तो हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा है, उन्हीं के नाम जाना जाता है। अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती है तो ये रायबरेली वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। आप किसी से भी पूछिए, जो भी नए लोग हों, पुराने लोग हों, सब से वो इतनी ज़्यादा आत्मीय हैं, सब उनको जो है बहुरानी की तरह से जानते हैं, रायबरेली के नाम से जानते हैं और उन्होंने भी इसको अपना बिल्कुल ससुराल की तरह ही समझ के रखा है। अब ये तय हो चुका है कि सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में यूपी कांग्रेस प्रियंका गांधी को किसी भी तरह से राजी करके रायबरेली से चुनाव लड़ाना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि लोकसभा में एक सीटों पर सिमटने के बाद अगर रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ता है तो यूपी में कांग्रेस की स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो जाती है। अब देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस की सिफारिश को मानकर रायबरेली चुनाव लड़ने आती हैं या फिर इस बार रायबरेली से किसी गैर कांग्रेसी परिवार का प्रत्याशी उतारा जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।